नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार जीतन राम मांझी केंद्र में जगह पाने के बाद कहीं ना कहीं खुद को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं कमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब वो जेडीयू में थे तो कहीं ना कहीं उनके साथ समर्थन में थे, गठबंधन में थे, तो कहीं ना कहीं उनको दब कर रहना पड़ता था, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट में बिठा दिया, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आते थे। लेकिन नीतीश कुमार की अब मुश्किलें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एनडीए के साथ गठबंधन में जीतन राम मांझी अब 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और ट्विस्ट पे ट्विस्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें 25 सीटें 100 में से मांगना कहीं ना कहीं चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये मुश्किलें उनकी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में वो खुद ये भी कह रहे हैं कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो जीत दर्ज करेंगे। लेकिन क्या इतना आसान होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतन राम मांझी को दे देती है तो क्या फिर से वही फ्लोर टेस्ट वाली स्थिति देखने को मिल सकती है? क्योंकि जीतन राम मांझी पार्टी से कब नाराज हो जाएं और किस तरीके से उनका रुख किस पार्टी की तरफ होता हुआ नजर आए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार का एक सॉफ्ट रुख उनकी तरफ रहते हुए नजर आया। जब हम पार्टी अकेले चुनावी मैदान में थी तो विजय मांझी जो जेडीयू के साथ थे, वहां के प्रत्याशी थे, वो विजय मांझी को जीतन राम मांझी ने हराया था। और वहीं पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने भी गया की सीट जीतन राम मांझी के लिए छोड़ दी थी। लेकिन अब मांझी का इस तरीके का रुख आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खेमे में हलचल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ से ये साबित हो रहा है कि अब जीतन राम मांझी खुद को सीएम दावेदार के रूप में देखना चाहते हैं या फिर किसी और को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कैबिनेट में जगह मिलने के बाद जीतन राम मांझी के जो सुर बदले हैं, अब वो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं बड़े संकट का कारण बन चुके हैं। वहीं अब विशेष राज्य का दर्जा देने की जो बात चाहे चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी वो भी खारिज कर देते हैं, वो कहते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं है विशेष राज्य के दर्जे की। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुसीबतें जरूर बढ़ा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो 2020 में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में अनबन की खबरें आई थी एक दूसरे की वजह से। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार का पूरा खेला बिगड़ गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मतभेद देखने को मिला था। लेकिन इस बार के कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं, चाहे विशेष राज्य का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब चिराग पासवान का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही समर्थन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल अगर पूरा माहौल देखा जाए तो किसकी तरफ ये रुख जाता हुआ, ये हवा जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वो अभी जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं इसमें एक कह लीजिए कि प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। 100 सीटों में से 25 सीटों की मांग करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी हो जिससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं छिटकते हुए नजर आए। और नीतीश कुमार का जो एक बढ़ता हुआ जनाधार है, इस बार जो बिहार में उन्होंने कहीं ना कहीं सीटें जीत कर वो लेकर आए हैं और जिसकी वजह से बीजेपी में उनकी एक अहम भूमिका है, जिसकी वजह से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में बैठ पाई टीडीपी और नीतीश कुमार की बदौलत, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से और डायरेक्टली नीतीश कुमार को मना नहीं कर सकती। वहीं एक पार्टी पर जीत दर्ज करने वाले जीतन राम मांझी को अगर इतना घमंड हो सकता है तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा होगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, जीतन राम मांझी उनके फेवर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि दोनों के साथ रिश्ते खराब हों, क्योंकि इस बार जो स्थिति है बीजेपी की वो डमाडोल दिखाई दे रही हर राज्य में। ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगले साल ही वहां पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर एनडीए गठबंधन में इस तरीके की खबरें और फूट पड़ने की संभावना होगी तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है नीतीश कुमार को ये बखूबी अच्छी तरीके से पता है, चिराग पासवान को पता है, जीतन राम मांझी को पता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की पूरी राजनीति और पूरी चाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अब बीजेपी इस संकट की घड़ी से खुद को निकाल पाएगी या फिर पूरा मामला कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर बिहार में एक नए तरीके की सियासत फिर से देखने को मिल सकती है और फिर कुछ बड़ा खेला हो सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट9 न्यूज़ पर।